प्रयागराज में सावन के महीने में सड़कों पर घोड़ों की दौड़ यानी गहरेबाजी का रोमांच, जोश और जुनून देखने की मिलता है। इसे देखने के लिए सड़क के दोनों तरफ सैकड़ों लोगों का मजमा लगता है। गहरेबाजी धार्मिक सौहार्द का प्रत्यक्ष उदाहरण है, क्योंकि इससे हिंदू और मुस्लिम भी शिव की साधना के रूप में रिश्ता रखते हैं। प्रतियोगिता में उद्देश्य केवल यही होता है कि लोग इसे देखें, समझें और तन मन में श्रावणी माहौल बने। सावन के प्रत्येक सोमवार को सड़कों पर घोड़े दौड़ते नजर आते थे। आम लोग इसे घोड़े की दौड़ समझेंगे, लेकिन ये सदियों से चली आ रही परंपरा गहरेबाजी होती थी। इस दौड़ में दूर दूर के घोड़े भाग लेने आते हैं। अगर बात करेंगे इतिहास की, तो 200 साल पुरानी परंपरा, जिसे राजा महाराजाओं और संपन्न लोगों ने अपने शौक के चलते शुरू किया गया था। राजा हर्षवर्धन के समय से ही यह परंपरा चली आ रही है। वह खुद इसका आयोजन कराते थे। फिर मुगलकालीन वाजिद अली शाह के जमाने में इसे परवान चढ़ाया गया। धीरे धीरे पुरोहित पंडा लोगों भी गहरेबाजी करने लगे, क्योंकि जब सावन महीने में राजा महाराजाओं को संगम में स्नान कराते और मंदिरों में पूजा कराते, तो उन्हें घोड़े दक्षिणा स्वरूप मिलते थे। गहरेबाजी की परंपरा या शौक देश के कई हिस्सों में शुरू हुई, लेकिन आज भी गहरेबाजी को लेकर पहले जैसा उत्साह और जुनून प्रयागराज में सर्वाधिक देखने को मिलता है। देखिए, ये सैकड़ों साल पुरानी जो है प्रयागराज इलाहाबाद की परंपरा है, और सावन के जो है चार सोमवार पर ये गहरेबाजी का शौक इलाहाबाद में आदिकाल से चल रहा। इस बार जो है, क्योंकि जो है सावन दो महीने का हो गया है, तो ये 8 सोमवार चलने की जो है, और कितना सुंदर वर्णन है, कितना सुंदर उदाहरण है कि ये हिंदू और मुसलमान दोनों ही जो है वर्ग के लोग इसको उत्साह के साथ मनाते हैं। गहरेबाजी के जो पारखी हैं, उनका उत्साह आपको देखने को मिल ही रहा है कि यहाँ वीराने में पहले पिपरैया रोड पर होता था, काफ़ी भीड़ शहर की आ जाती थी, दसियों हजार लोग इकट्ठा होते थे, लेकिन अब की बार जो है वहाँ ट्रैफिक की वजह से इसको शिफ्ट करना पड़ा, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि हजारों लोग जो है अभी आते ही चले जा रहे हैं। और ये हमारी जो है सांस्कृतिक धरोहर है इलाहाबाद। गहरेबाजी ये घोड़े की दौड़ नहीं है, ये घोड़ों की कदमबाजी का जो है ये शौक है। घोड़ों के अंदर कौन सी चाल है, घोड़ों के अंदर कौन सी खूबसूरती है, उनके जो है रख रखाव में क्या जो है किया गया है, उनकी बाल की कटिंग, उनके नाल की बंधाई, उनके दुम की कटाई, ये सारी चीज़ें मिलाकर जो है गहरेबाजी जो है ये होती है। और सबसे बड़ी बात यह है, जैसा मैं कहता हूँ, कि गहरेबाजी को समझने के लिए इसकी तीन चालों को समझना बहुत ज़रूरी है। सावन की शुरुआत जो है वो 4 तारीख से है, और आज 10 तारीख है, सावन का पहला सोमवार है ये। और ये अजीब इत्तेफाक है कि अब की बार सावन दो महीने का है, और 4 सोमवार नहीं 8 सोमवार पड़ेंगे, और ये महीना शिव का महीना है, शिव का सबसे प्रिय दिन सोमवार है, इसीलिए ये रेस सोमवार को होती है। शिव शक्ति का प्रतीक है, इसीलिए घोड़े की रेस होती है, घोड़ा भी शक्ति का प्रतीक है। इसमें हिंदू मुसलमान सब उसी उत्साह से घोड़ा दौड़ाते हैं, और ये कदमबाजी की रेस है, ये रेस नहीं है बल्कि शो मैच है। बारी बारी घोड़े दौड़ेंगे, आप देखेंगे इसमें कोई रेस नहीं, लोग बारी बारी घोड़ा दौड़ा रहे हैं, और हर सोमवार को यहाँ आएंगे और इसी उत्साह के साथ आएंगे। तो काफ़ी लोग उत्साह रहता है, लोगों को भीड़ लगती है। देखिए, यहाँ अभी कम है नहीं, अगर वहाँ पुराने जगह पे होती तो लाखों लोग होते। ये चूंकि नई जगह है, पहली बार हो रही है, सुनसान जगह, वहाँ मना कर दिया गया। वहाँ चूँकि रूट डाइवर्जन हो गया था, बीच में रूट बंद हो गई थी, तो सारा जो है भार जो है इसी रामबाग के पुल पे था, तो इसलिए वहाँ से बहुत भीड़ के वजह से यहाँ कर दिया गया। क्या नाम आपका? मैं बद्रे आलम कटरा।